अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सीमा सिद्दीकी। वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज विद सीमा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त मास्क की रेमेडी लेकर आई हूँ। इस मास्क को हम स्किन क्लींजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मास्क हमारी स्किन को टाइट करेगा, लिफ्ट करेगा, हमारे फेस पर सब ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को ख़त्म कर देगा। और सर्दियों में जो स्किन हमारी डल हो रही होती है और दो टोन में हो रही होती है, इसको एक टोन में करेगा, स्किन के हमारे डलनेस को ख़त्म करेगा, स्किन को ब्राइट और शाइनी बनाएगा, इस पे से ड्राइनेस भी ख़त्म करेगा, स्किन को हमारे मॉइस्चराइज करेगा और हमारे ओपन पोर्स में से जो इम्प्योरिटीज जमा हो जाती हैं इसको भी निकाल के हमारे पोर्स को मिनिमाइज करेगा। आइए देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून जो है हमारे स्किन को क्लीन करेगा, हमारे स्किन पे जितनी इम्प्योरिटीज हैं इसको दूर करेगा, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करेगा, हमारे चेहरे पे जो एक्नी और पिंपल्स हो रहे होते हैं ये इसको भी हमारे बेसन जो है खत्म करने में हेल्प करेगा, हमारी स्किन को फेयर करेगा, एक टोन करेगा, हमारी स्किन पे शाइन लाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। देखें ये बलाई के साथ मिल्क है तो मैं ये इसको इसी तरह इसमें बलाई के साथ ऐड करूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून कि हमारा अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए। बिल्कुल हमारा ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। इसमें जितने भी लम्स हैं ये हमारे इसमें खत्म हो जाए। दूध में अमाइनो एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारे चेहरे पे से ड्राइनेस को खत्म करता है, और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को साफ और डस्ट से साफ करता है। ये हमारी स्किन में एक ग्लो भी लाएगा। अच्छी तरह से हम इसको लम्स बिल्कुल खत्म कर देंगे। हमारे स्किन पे जो डार्क स्पॉट होते हैं, एक्नी के पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, ये इसको भी खत्म करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और ये हमारी स्किन को नरिश रखेगी और स्किन पे होने वाली हमारी ड्राइनेस को भी खत्म करने में हेल्प करेगी। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल में विटामिन ए बी पाया जाता है। ये हर टाइप स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी स्किन पे रिंकल फाइन लाइंस आने से रोकता है, स्किन को हमारी हमेशा यंग रखता है, हमारी स्किन पे वक्त से पहले जो फाइन लाइंस आ रही हैं, झुर्रियां आ रही हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सबको इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक करने में हेल्प करेगा। हमारी आईज के नीचे जो डार्क सर्किल हो जाते हैं, पफी आईज हो जाती हैं, ये इंशाल्लाह उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। अब हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे वेजलीन। वेजलीन जो है हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइज करेगी एंड ये हमारी एंटी एजिंग भी है, रिंकल्स फाइन लाइंस को भी दूर करेगी, हमारी स्किन को एक टोन करने में हेल्प करेगी। ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। देखें इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं जो हमारी ड्राइनेस को खत्म करेगा, और जब ड्राइनेस होती है हमारी स्किन पे तो समझे फाइन लाइंस रिंकल वक्त से पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तमाम चीजें वो हैं जो कि हमारी स्किन को ड्राइनेस से ख़त्म करेगी, हेल्प करेगी उसको ख़त्म करने में, रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म करने में हेल्प करेगी, और हमारे डार्क स्पॉट्स हैं
दो टोन स्किन हो रही है उसको एक टोन में लाएगी। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत जबरदस्त मास्क है। इसके इस्तेमाल से आपको एक ही एप्लीकेशन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल पेस्ट की तरह बना के फिर हम अप्लाई करेंगे इसको अपने फेस पे। देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया ये हमारा, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया ये। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आ जाती है तो प्लीज मेरे इसको लाइक करें, अपने फैमिली में फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसको देखें ये बिल्कुल हमारा कितना जबरदस्त सा मास्क रेडी हो गया है। ओके, इसको अप्लाई करने का तरीका वही है, पहले आप अपने फेस को क्लीन करें, उसके बाद में इसको ऊपर की डायरेक्शन में गर्दन पे फेस पे अप्लाई करें और हल्के हाथ से इसको मसाज करें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मसाज करें तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके अपने चेहरे पे इसी तरह से लगा रहने दें, नेक पे जरूर लगाया करें क्योंकि नेक भी हमारे फेस का ही एक हिस्सा है। उसके बाद में इसको 20 मिनट के बाद ड्राई होने पे इसको वॉश कर लें। उम्मीद है आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए रेमेडी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।